दोस्तों आपका स्वागत है HRI न्यूज पर। बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आपके लिए लेकर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, कोरोना की तीसरी लहर के दौरान सुप्रीम कोर्ट के 13 जजों सहित 400 सुप्रीम कोर्ट के कर्मचारी पाए गए कोविड पॉजिटिव, CJI ने दी है जानकारी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NB रमणा ने बताया कि महामारी की तीसरी लहर के दौरान सुप्रीम कोर्ट के 13 न्यायाधीश, अदालत के 400 से ज्यादा कर्मचारी कोरोना संक्रमित हुए हैं। गौरतलब है कि CJI ने यह खुलासा तब किया है जब एक वकील ने शिकायत की कि उनके मामले को रजिस्ट्री द्वारा सुनवाई के लिए तत्काल सूचीबद्ध नहीं किया गया था। CJI रमणा ने वकील से कहा कि यदि आप समस्या नहीं जानते हैं तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। रजिस्ट्री में 400 लोगों को कोविड पॉजिटिव पाया गया और 13 न्यायाधीश भी कोविड पॉजिटिव आए। हमारे शरीर के सहयोग नहीं करने के बावजूद हम बैठे हैं और मामलों की सुनवाई कर रहे हैं। आपको यह समझना चाहिए। वर्तमान में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में CJI सहित 32 न्यायाधीश काम कर रहे हैं। इसमें लगभग 3000 कोर्ट स्टाफ भी शामिल हैं। ये दोस्तों बड़ी खबर सामने निकल के आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।